वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने चीज़ी मायो सैंडविच बनाया है। देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा चीज़ी मायो सैंडविच। चलिए मेरे साथ बनाते हैं चीज़ी मायो सैंडविच। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा चीज़ी मायो सैंडविच। चीज़ी मायो सैंडविच बनाने के लिए मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। मैं एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी। देखिए मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं उसमें एक कटी हुई प्याज डालूंगी जो मैंने स्क्वायर शेप में कट कर ली है छोटे छोटे पीसेस में। मैंने ऑनियन को डाल लिया है और थोड़ा सा उसे सॉटे कर लूंगी। मैं बहुत नहीं भूनना है इसे, बिल्कुल थोड़ा सा। उसमें मैं हाफ बीट रूट को कट कर कर डाल लिया है और उसे अच्छे से चला लूंगी। ये अच्छे से तेल में थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें टमाटर को डाल लूंगी। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसे अच्छे से भून लूंगी। हमारी चीज़ी मेयोनीज का मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। इस मसाले से हमारी सैंडविच बहुत अच्छी बनेगी। देखिए मैं अच्छे से इसे भून रही हूँ। अगर हम इसे कच्चा डालेंगे तो बच्चे पसंद से नहीं खाएंगे, थोड़ा इसे कुक कर लेंगे तो बच्चे इसे अच्छे से खा लेंगे, वरना वो निकाल कर फिर सैंडविच और चीज़ खाएंगे। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसे पका लिया है। मैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिए। मैं स्प्रिंग ऑनियन ले रही हूँ थोड़ी सी, वो भी इसमें डाल ली है और अच्छे से भून लूँगी। हमें पूरा 100% नहीं कुक करना है, सिर्फ 50% ही वेजिटेबल्स को कुक करना है। आप जो चाहे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हो चुकी है, अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। मैं 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डालूंगी इसमें और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। देखिए मैंने सारे इसमें मसाले डाल चुकी हूँ, अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। बस बहुत हमें नहीं पकाना है, सिर्फ अब इसमें एक चीज़ डालनी है, हमारा थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और चीज़ मेयोनीज मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। हमारा सारा मसाला रेडी हो चुका है, बस हमें इतना ही कुक करना है। अब ये हो चुका है, मैंने सैंडविच का मसाला बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उसे अच्छे से बटर लगा लूंगी। अच्छे से उसे भर कर हमें बटर लगाना है। बटर रूम टेम्परेचर पे हो तो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। उसे अच्छे से, देखिए मैंने अच्छे से बटर को लगा लिया है। ऐसे ही सारे पीसेस को मैं लगा लूंगी। मैंने ब्रेड को बटर लगा लिया है अच्छे से। अब मैं इस पर हमारा जो रेडी किया हुआ मसाला लगाऊंगी। देखिए हमारा कितना कलरफुल और मज़ेदार मसाला बना है। अगर हम इसे कच्चा ही डाल देते तो बच्चे नहीं खाते, ये बहुत हेल्दी है, ये अच्छे से बच्चे खा लेते हैं।
देखिए मैंने इसे अच्छे से ऊपर लगा रही हूँ। मैं इसमें मेयोनीज डाल रही हूँ, डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। दोनों ब्रेड को मैं अच्छे से मेयोनीज को स्प्रेड कर लूँगी। देखिए अच्छे से हमें चारों ओर स्प्रेड कर लेना है मेयोनीज को। ये देसी स्टाइल है, बहुत पसंद आता है और बहुत हेल्दी भी है। मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाल रही हूँ और ऊपर भी डालूँगी। अब मैं इसको और एक ब्रेड से ढांक लूँगी। मैंने दोनों सैंडविच को अंदर मसाला लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट कर लूँगी ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। दोनों साइड हमें अच्छे से सेकना है। बटर मैंने इसलिए नहीं डाला है कि वो जल जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे ऑयल डाला है, अंदर बटर लगाया। दोनों साइड हमें अच्छे से सेक लेना है। अब मैंने इसे पलटा लिया है और इस साइड भी थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अगर एक साइड ज़्यादा डाल दूंगी तो अब्सॉर्ब कर जाएगा, इसीलिए दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डालना है। अच्छे से थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छे से थोड़ा गोल्डन कर लूँगी बस। अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए ये हो चुकी है। ऐसे ही मैं और एक सैंडविच को भी सेक लूँगी अच्छे से। देखिए मैं अब इस पर सारा चीज डाल दूंगी अच्छे से, जो मैंने ग्रेट कर रखा हुआ था। चीज डालकर मैं पैन में ढककर सिर्फ एक मिनट तक रखूंगी और थोड़ा सा केचप डालूंगी। थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ मैं और थोड़ा सा व्हाइट मेयोनीज डालूंगी। ब्रेड के अंदर मैंने चीज़ी मेयोनीज डाला था, अब मैं प्लेन मेयोनीज डालूंगी। अगर आप नहीं हो तो कोई भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें ये रख लिया है हमारा सैंडविच। एक मिनट तक मैं इसे ढककर रखूंगी ताकि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे ढककर मैंने सिर्फ हाफ मिनट के लिए ही रखा है। आप चेक करते रहिए नीचे ना जल जाए। मैंने अच्छे से नीचे ऑयल लगाया था। देखिए अब ये हो चुका है, मैं चेक कर लूँगी। हमारा सैंडविच बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये हमारा चीज़ी मायो सैंडविच कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसे कट कर लेती हूँ।